इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है। असम की बीजेपी सरकार 1 जनवरी 2020 से नई नवेली दुल्हन को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार की तरफ से दुल्हन को 10 ग्राम सोना उपहार के तौर पर दिया जाएगा और इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें रखी गई है। दुल्हन के परिजनों को शादी पंजीकृत करवानी होगी और दुल्हन ने कम से कम 10वीं तक की पढ़ाई की हो। इसके साथ ही दुल्हन के परिवार की सालाना आय करीब 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लड़की की पहली शादी पर ही मिलेगा। स्कीम का लाभ उठाने के लिए लड़कियों को अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। दरअसल असम की बीजेपी सरकार ने इस योजना की घोषणा पिछले महीने ही की थी और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस योजना का नाम अरुंधति स्वर्ण योजना दिया है। स्कीम के तहत सोना फिजिकल फॉर्म में नहीं दिया जाएगा। लड़कियों द्वारा शादी के रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के बाद दुल्हन के खाते में 30,000 रुपए जमा कराए जाएंगे और इसके बाद लड़की को सोने की खरीद की रसीद सबमिट करनी होगी। मतलब सरकार की स्कीम के तहत दिए गए पैसे को कहीं और इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। तो दोस्तों, सरकार की इस योजना पर आपकी क्या राय है, आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की न्यूज और अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।